तक के सफ़र में आप लोगों ने देखा कि मैंने बेलापुर से सफ़र को स्टार्ट किया था और तलजा का जो लास्ट स्टेशन है पैंधर स्टेशन वहाँ पर आके कंप्लीट करा। इस बीच मुझे जो कम्यूटर्स मिले मैंने उन लोगों से बातचीत करी और आप लोगों के सामने शेयर करी। अब तलोजा आकर मैंने यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की है, जो भी ट्रेवलर हैं उनसे बातचीत करी, उनकी राय जानने चाही और वो क्या सोच रखते हैं एंड अगर वो कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी जानने की कोशिश की और आप सभी लोगों के साथ उसको साझा करना चाहूँगा। तो हम हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे उसी ब्लॉग का सेकेंड पार्ट है, वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पोस्ट कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड तलोजा के जो रहवासी हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों को क्या सहूलियत महसूस हो रही है एंड वो लोग क्या सोच रखते हैं अब मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होने के बाद, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप लोगों का इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है एंड ये सीबीडी बेलापुर से स्टार्ट होता है सफ़र, फिर सेकंड आरबीआई कॉलोनी है एंड थर्ड स्टेशन है बेलपाड़ा एंड फोर्थ स्टेशन है उत्सव चौक एंड फिफ्थ स्टेशन केंद्रीय विहार एंड सिक्स स्टेशन खारगढ़ एंड सेवन्थ स्टेशन सेंट्रल पार्क, एट स्टेशन पेटपाड़ा, नाइन्थ स्टेशन अमन दूत एंड टेंथ स्टेशन पटाली एंड लास्ट स्टेशन पेड़धर। जैसा कि 11.1 किलोमीटर के इसमें 11 स्टेशन रखे गए, लास्ट पेड़धर स्टेशन है जहाँ से मैं इसको शूट कर रहा हूँ एंड यहीं से ज़्यादा ऑडियंस का रिस्पांस आना चाहिए बिकॉज जो तलोजा था, तलोजा से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी ट्रेन की, बट अभी पूरा ही सुनसान पड़ा हुआ है, ज़्यादा कुछ ट्रेवलर्स हैं नहीं। एक भाई आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? नईम भाई, जैसा कि आप यहाँ से ट्रैवलिंग करते हो आ रहे हैं, आप कहाँ से सफ़र स्टार्ट करा था आपने? यहीं से स्टार्ट करता हूँ, पेंडर से बेलापुर। अच्छा, पेंडर से बेलापुर जाते हैं, बेलापुर से आप वापस रिटर्न आते हैं, मीन्स कि आप जॉब करते हैं और डेली का आपका रूटीन है। तो तलोजा स्टेशन को लेके काफ़ी क्यूरियसिटी थी लोगों में, आवाम में, कि कब ये स्टार्ट हो बिकॉज़ यहाँ से कोई भी लोकल ट्रेन स्टेशन नहीं है। कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था बिकॉज़ बस के सफ़र में इंतज़ार करना पड़ता था या रिक्शा का भाड़ा ज़्यादा गिरता था, खारगढ़ तक जाते थे। तो ये जो स्टेशन बनने के बाद आपने किस तरह की तब्दीली देखी, क्या आपको प्लस पॉइंट लगा, क्या माइनस पॉइंट लगा, आप फ्रीली फ्रैंकली बताइए मेरे को, मतलब है ना, जेन्युइन रिव्यू चाहिए। एक्चुअली कैसा है कि ये मेट्रो बन गया है तो थोड़ी सी फैसिलिटी तो बढ़ गई है रेगुलर जो ट्रैवल कर रहा है। इसके पहले मैं बाइक से आता था खारगढ़ पर, तो वहाँ पर पार्क करके फिर मैं लोकल ट्रेन पकड़ के आता था। अब हो गया, थोड़ी सहूलियत तो हो गई है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देता हूँ वहीं पर, उसके बाद मेट्रो पकड़ के जाता हूँ बेलापुर। प्रॉब्लम ये है, मतलब सब अच्छा है, बेहतर है, सो फैसिलिटी है, अभी बारिश वगैरह में भी बहुत अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा कैसा है कि जो कॉस्ट है ना, फेयर ज़्यादा है थोड़ा कंपेरेटिव। अगर मैं देखूँ तो अंधेरी जो रूट है अपना घाटकोपर से अंधेरी तक का, वो रीज़नेबल है, 30 रुपये चलेगा। और लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो थोड़ा सा वो कम में चला पहुंच जाता है, 20 रुपये तक हो जाता है। तो यहाँ पर क्राउड थोड़ा कम है अभी फ़िलहाल, उसका कारण यही है सबसे बड़ा कि अभी जो कंपैरिजन में थोड़ा डबल है इसका जो चार्जेस है, 40 रुपये थोड़ा ज़्यादा है। तो यही अगर थोड़ा 30 रुपये तक होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। एक आध बार बात भी हुआ काउंटर पर, तो उन्होंने कहा कि लोग अपने आप वेबसाइट पर जाके थोड़ा सा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा रखेंगे, हो सकता है उसका मजा है, बट ओवरऑल थोड़ा सुकून है। मतलब बाइक से आधा घंटा ट्रैवल करना बोले तो काफ़ी, और फिर ट्रैफिक का भी हुजूम, ये सारी चीज़ें भी रहता है, ट्रैफिक भी रहता है और बारिश वगैरह में भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ठीक है, मतलब अगर ये चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से अगर थोड़ा सा कम होता है तो बाकी और लोगों और भी लोग जितना ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे अपना मेट्रो, हालाँकि फैसिलिटी अच्छी है, सी एस तो अच्छा है, अच्छी बात है। जैसे आप डेली अप डाउन करते हैं, तो मैंने अभी जैसे मैं भी बेलापुर से आया हूँ एंड लास्ट स्टेशन तक का करा मैंने, अब लास्ट स्टेशन से फिर मैं रिटर्न हूँगा, तो मैंने देखा कि जैसे 3 कोचेस इसमें असेंबल्ड है, जो रोलिंग स्टॉक है उसमें 3 ही अपने वो रखे गए, और जो पब्लिक थी वो भी आई थिंक 20 या 25 के करीब क्राउड था।
मतलब मेरे जो मैं जिस कोच में था एंड फिर सेकंड कोच में भी उतना ही था, थर्ड में भी उतना था। तो डेली इतना ही रहता है या आज कम है? डेली इतना ही रहता है, डेली इतना रहता है। जो सीट्स होती है सीट्स फुल होती है, बहुत रेयरली कोई आदमी खड़ा रहा, कोई पैसेंजर खड़ा रहा तो खड़ा रहा, अदरवाइज जो सीट्स होती है वही फुल होती है। ये पीक टाइम के बाद बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल टाइम पे अगर आप थोड़ा बीच में आएंगे दोपहर में आएंगे तो वो सीट भी खाली, पूरी सीट्स खाली रहेंगी। मीन्स कि अभी रिस्पांस थोड़ा ठंडा है, आने वाले टाइम पर ना काफ़ी अच्छा होगा, अच्छा हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट एरिया है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी शिफ्ट भी नहीं हुए, तो जब शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा क्राउड बढ़ेगा। महाड़ा का पूरा जो एरिया है वो शिफ्ट नहीं हुए, बिल्डिंग रेडी है, जब शिफ्ट हो जाएंगे तो क्राउड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ की जो तलोजा की प्रॉपर्टी है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? आपने आपका आपने घर लिया यहाँ? हाँ, मेरा थोड़ा अंदर है, अंदर साइड में, तो फ़र्क पड़ेगा, फर्क पड़ा हुआ है जाहिर सी बात है, क्योंकि इसका मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है ये, मतलब बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, ये चालू हुआ है। तो रिस्पांस अच्छा आ रहा है? रिस्पांस अच्छा ही है, मतलब जो है ना इसका रेट में फ़र्क तो डेफिनेटली है, रेट्स वगैरह बढ़ जाएंगे थोड़ा, अभी ऐसा सुनने में ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लैट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट हैं, और इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा सुनने में नहीं आ रहा कि मेट्रो आने की वजह से इमीजिएट उसका प्राइस बढ़ गया हो। तो ये जब फुल हो जाएंगे तो हो सकता है कि इसका रेट वगैरह थोड़ा सा बढ़ गया, बट फिलहाल तो सहूलियत है, मतलब यहाँ पर जो नज़दीक रह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, मेट्रो स्टेशन और जो अंदर का इंटीरियर है उसके बारे में क्या बोलना है, कैसा लगा आपको? अच्छा है, ऐसी बात है, अच्छा लोकल ट्रेन और लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं हम लोग, और स्टेशन जो है उसकी कंपनी में बहुत अच्छा है, ऐसी बात है, एलिवेटर वगैरह की भी फैसिलिटी भी हुआ है, एम्बियंस थोड़ा अच्छा ही है, दूर से भी अच्छा लगता है, अंदर आने के बाद ही बहुत अच्छा है। ओके, जैसे जो मुंबई साइड की जो ट्रेन है अपनी, जैसे लाइन अभी वहाँ की ब्लू लाइन, आपने बोला एक ब्लू लाइन स्टार्ट हुआ, अभी रेड लाइन स्टार्ट हुआ जो दहीसर तक के लिए भी है, इससे और वेस्ट से भी स्टार्ट हुई है येलो लाइन आई थिंक, तो उसका मैंने देखा कि बाहर से जो आउटर एरिया जो डिज़ाइन किया गया है वो अलग है, इंटीरियर का थोड़ा तो हर जगह का सेम ही होता है, क्योंकि मतलब फर्स्ट फ्लोर पर चेकिंग और टिकट्स का रखते हैं, सेकंड फ्लोर पर अपना जो ट्रेन रहता है जहाँ से बोर्डिंग करते हैं अपन वो रहता है। बाकी बाहर से मैंने देखा नवी मुंबई की जो लाइन है वो एकदम डिफरेंट दी है, जैसे एक तो कलर जैसे सैंड का, जैसे दुबई अजमान साइड हम जाते हैं तो वहाँ पर जो मेट्रो चलती है वो पूरा इसी कलर की रहती है, मैंने देखा वहाँ की जो लाइन डली हुई है, और जो बाहर के जो जैसे आप ये देख सकते हैं जो साइड के जो रूफ्स दिए हुए हैं कवर करने के लिए, ये भी एकदम डिफरेंट दिए गए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये कैसा खूबसूरत बनाया मतलब स्टेशन? जी, खूबसूरत बनाया है, और पहले से लग रहा था, मतलब जब भी स्टार्ट नहीं हुआ था तो ऐसा लगता था कि बनाया क्या है आखिर, फिर बाद में मालूम चला स्टीयर है, सीढ़ी है, तो मतलब ऐसा लगने में थोड़ा सा एम्बियंस बहुत अच्छा लग रहा है। जी, मतलब फील आ रहा है अब्रॉड वाला? यस यस, ऑफकोर्स, क्योंकि नवी मुंबई ऑलरेडी एकदम, जैसे अगर अपन नवी मुंबई के वीडियो शूट्स करते हैं और अगर उसको बताएं नहीं और बहुत ही अच्छे शॉट्स निकाले जाएं तो लोगों को देखने में एक वक्त पे ऐसा लगता है जैसे भाई अब्रॉड का कोई हम सीन शॉट देख रहे हैं। yes. मतलब इतना प्यारा तरीके से डेवलप किया गया है, बहुत अच्छा किया हुआ है। जी, अब यहाँ से भी देखेंगे ना, अभी उजाला नहीं है जी, यहाँ पर जो ब्रिजेस गया हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है एक दूसरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, डे का जो नज़ारा है ना बहुत खूबसूरत है। अच्छा, लास्ट में आप मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फेयर को लेके, आप कुछ गुजारिश करना चाहेंगे अगर हमारे जो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं या सिटको के जो जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें, मुझे भी नहीं पता कि फाइनेंशियली इसका कौन देखता है, तो उनके लिए अगर ये वीडियो जाता है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से आवाम सक से कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड हो सके तो इस पर थोड़ा सा आप भी तवज्जो दें, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील यही है कि सब कुछ अच्छा है, सब बेहतरीन है, बट थोड़ा प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज लोकल जो ट्रांसपोर्ट है और बाकी इसे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, तो यही थोड़ा सा अगर 10 रुपये कम रखेंगे तो ये कि मिड रेंज में हो जाएगा, 30 रुपये इनफ है, मतलब ठीक है, 30 रुपये से ज़्यादा हो रहा है इसलिए लोग थोड़ा ट्रैवल भी कम कर रहे हैं, तो मेरा एक आम लोगों की तरफ से बोलना यही है कि 30 रुपये अगर रखेंगे, 30 रुपीज़ इनफ, मतलब सही रेट है, उसके ऊपर जा रहे हैं तो लोकल ट्रैवल करना है जिनको करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन ये ज़्यादा अगर कम होता तो ज़्यादा अच्छा होता था सबके लिए भी, और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जावे तो और भी हो सकता है क्राउड आ जाएगा, कि जो लोग अभी शेयरिंग लेके जा रहा है वो भी इसके अंदर 5-10 रुपये के ऊपर, तो ये अपील है कि अगर हो जाता तो बहुत अच्छा।
ठीक है नईम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो बात है उसके ऊपर मतलब जो लोग भी हैं, जो भी अधिकारी हैं, अगर सुने तो उसके ऊपर कुछ तवज्जो दें, और अगर उम्मीद करते हैं आई होप कि ऐसा हो कि भाई फेयर को थोड़ा कम किया जाए लोगों की सहूलियत को देखते हुए, एंड जो आम पब्लिक है वो लोग भी इजी वे में ट्रेवल कर सके। तो अब हम लिफ्ट का यूज़ करके देखते हैं एंड चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। हम वापस जाएंगे अब तलोजा से बेलापुर के लिए, और लिफ्ट को भी थोड़ा सा देख लें। एंड ये सॉरी गलती से मिस्टेक हुई गवा, कॉन्कोर्स की तरफ हमको जाना है जहाँ से आप टिकट काउंटर एंड चेकिंग पॉइंट बना रहता है, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन हो रहा है लिफ्ट, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। लिफ्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील दे रहा है बिकॉज लगेज लिफ्ट की तरह दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर की कैपेसिटी होती है इसमें अप डाउन करने के लिए। एंड लिफ्ट से बाहर निकलते देखेंगे लेफ्ट साइड में हमारे स्टेयर्स वाले पॉइंट्स हमको मिलते हैं, एंड हम चलते हैं अब ट्रेन की तरफ एंड ट्रेन के अंदर वेट कर देखते हैं कि मेट्रो ट्रेन के जो रोलिंग स्टॉक है उसमें किस तरह की खूबियां हैं, किस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया है। देखा जाए तो लोग काफ़ी खुश हैं, मेट्रो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सब फैमिली के साथ अप डाउन कर रहे हैं। वैसे मेट्रो भी काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है अंदर से, जैसे मुंबई की मेट्रो है सेम मुझे इसी तरह से दिख रहा है ब्लू लाइन की, तो अंदर से जो कुछ इंटीरियर है उस पर ब्लू कलर दिया गया है। स्क्रीन है जिसपे आपको नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो भी दिखेगा, अनाउंसमेंट भी होता है, कैमरे भी लगे हुए हैं, एंड सीट्स, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो मुंबई की मेट्रो है उसी की तरह से मिलती हुई है। फ्लोर भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। एंड इस वाले पार्ट में हम चल के देखते हैं तो यहाँ पे भी पब्लिक उसी तरह से है, उतनी ही है। एंड ऊपर देख सकते हैं हम जो स्टेशन आने वाला है तो लाइट से ब्लिंक करेगा, स्टेशन के पूरे नाम लिखे हुए हैं। तो भाई ये है हैंडीकैप्स वालों की सीट अलग से दिया हुआ है जो विकलांग लोग हैं, एंड जो स्टिकर्स लगे हुए हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एलईडी लगी हुई है यहाँ पर, एंड कैमरा है, स्मोक डिटेक्टर भी लगा हुआ है, तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लें एंड इन सब चीज़ों का पालन करें। अब हम बात करते हैं जो नवी मुंबई का मेट्रो ट्रेन है उसके रोलिंग स्टॉक पर, तो इसमें हमको 3 कार ट्रेन सेट देखने मिलते हैं, एंड इन फ्यूचर शायद बढ़ाए भी जा सकते हैं। और जो 64.6 मीटर यानी 212 फीट लंबे लॉन्ग है, एंड 3.1 मीटर यानी 10 फीट 2 इंच चौड़े वाइड है। पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ अराउंड 1100 यानी 1100 लोग की भीड़ हुजूम इसमें इजीली आ सकती है, एंड मैक्सिमम स्पीड इसकी 19 किलोमीटर हावर यानी 56 mph रखी गई है। ट्रेन के फीचर्स पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखेंगे ट्रेन की जो बॉडी है वो स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, पूरी जो ट्रेन है वो एयर कंडीशनिंग है, एंड LED लाइटिंग्स पूरी यूज़ की गई है। जो भी इसमें चीज़ें यूज़ करी गई हैं ट्रेन के अंदर वो सारी अपडेटेड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हैं। बाहर से जो नज़ारे आपको रात के वक्त देखने मिलते हैं तो सामने उत्सव चौक है, देखिए आप कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये पूरा लाइटिंग से जगमगा रहा है, तो नवी मुंबई रात के वक्त कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो ये थी नवी मुंबई, और ये नवी मुंबई की ट्रेन है जो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट हुई है। तो ये जो सफ़र था अब हम ख़त्म करते हैं, हम लास्ट स्टेशन पे पहुंच जाते हैं एंड वहां से फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट स्टेशन आ चुका है एंड सब लोग जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे वो सब लोग अभी उतरेंगे, तो हम लोग जो ट्रेन में आए थे वो सब लोग उतर रहे हैं, और जो नए पैसेंजर्स हैं जिन लोग ट्रेवल करना है वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों साइड के सफ़र में देखा जो भीड़ का हुजूम है, जो क्राउड है वो इतना ही है आते वक्त भी और जाते वक्त भी। तो अभी कुछ वक्त लगेगा, धीरे 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 यहाँ पे भी भीड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं एंड जो लोग मेरे साथ सफ़र करते हुए आए हैं तलोजा से बेलापुर तक के लिए, उन लोगों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या सोचना है, उनकी क्या राय है, और उनकी क्या दिलचस्पी थी इस ट्रेन स्टेशन को लेके, और उसके बाद उन लोगों की लाइफ में डेली की रूटीन में क्या तब्दीली आई है। हमें शख्स और मिले हैं, आपका नाम क्या है भाई? शिव चरण। एंड आपका? विजय। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा क्योंकि नॉइज़ हो रहा है नीचे भी ट्रैफिक का। तो आप लोग कहाँ से हैं? नेहरू से। आप अभी क्या करते हैं आप लोग? इंटीरियर का काम करते हैं। तो जैसे आप डेली अप डाउन करते हैं, आप कहाँ तक गए थे ट्रेन से? तलोजा गए थे। तलोजा से वापस इधर आए? हाँ, जैसे कि तलोजा में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रहा है, तो आपका डेली का अप डाउन होगा। तो भाई ये डेली के अप डाउन वाले हमें ट्रेवलर्स मिले, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि
जैसे तलोजा स्टेशन से जो बेलापुर का तक का नवी मुंबई का जो मेट्रो स्टार्ट हुआ है लाइन वन का ब्लू लाइन, इसको लेके लोगों के आवाम के इसमें पब्लिक में काफ़ी क्यूरियसिटी थी, काफ़ी दिलचस्पी थी कब स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखते थे बहुत दिनों से, तो लगता था कभी चालू होगा तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, तो आने जाने में थोड़ा बहुत अच्छे जाने में बहुत तकलीफ हो रहा था। तो अभी जैसे ये मेट्रो आने से आपने जो सफ़र करा है, आपने जो जर्नी करी है, डेली अप डाउन करते हैं आप, उसमें आपके इसमें क्या बेनिफिट हुआ, आपने क्या इजाफा देखा? टाइम का बहुत बचत हुआ, मेनली टाइम, आपका टाइम काफ़ी बचा है। और ट्रेन कैसा लगा आपको मेट्रो, मतलब कितना परसेंट में, अगर 100 में से आप कितना 80-90 कितना परसेंट देना चाहिए, 100 ऑफ 100 देंगे, 100 में से 100 देंगे, 90 अब 90 देंगे आप, 100 में से 100 देंगे। क्या होता है कि मतलब हम लोग जब आते हैं ना, अगर बाई चांस एक छूट जाता है तो उसको 10-15 मिनट वेट करना ट्रेन के लिए, ये चीज़ है, बाकी तो सब मीन्स कि जैसे थोड़ा सा 15-15 मिनट का डिस्टेंस में ट्रेन रखा गया तो उसमें भी वक्त ज़ाया होता है, तो इसलिए भाई 10% लेस कर रहे हैं। बाकी ये जो हमारे आपका नाम शिवचरण जी जो है वो काफ़ी खुश है, उन्होंने 100 में से 100 दिया। तो ये जो ट्रेन है, इसका जो मेट्रो स्टार्ट की गई है, इसका काफ़ी फ़र्क आया है, खासकर जो लोग तलोजा से अप डाउन कर रहे हैं बेलापुर के लिए, वरना अच्छा उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, पहले काफ़ी कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा था, बस ट्रेन से जाते थे घर घर, घर घर से फिर मैजिक पकड़ के जा रहे थे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, घर में रहता है। आपका क्या राय है इस बारे में? ठीक है, ठीक है, एवरेज है या अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे फेयर को लेके जो यहाँ का जो जो किराया रखा गया है ट्रेन का, उसको लेके आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, क्या बात जाहिर करना चाहेंगे कि आपको जैसे वन साइड का 40 रखा गया, फिर वन साइड का 40 रखा गया। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको रिटर्न का टिकट नहीं मिलता है, जैसे रिटर्न में थोड़ा लैस हो जाता था, कंसेशन मिलता था, बट अभी आपको वन साइड का लेना है 40, फिर वहाँ से भी आने का वन साइड का 40 लेना है, रिटर्न की फैसिलिटीज़ अभी नहीं है फिलहाल, इन फ्यूचर शायद। सफ़र जो है काफ़ी लग्जरियस टाइप का हो गया, क्योंकि एसी में बैठ के जाएँ आराम से, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्राउड भी नहीं है, तो मस्त इजीली आ रहे जा रहे हैं, और टाइम भी कम लग रहा है। बस ये कि ट्रेन अगर एक मिस हो जाती है तो 15-10 मिनट्स के डिस्टेंस पर एक ट्रेन मिलता है, तो ये थोड़ा सा इनको, इन लोगों के हिसाब से ये ड्रॉबैक पॉइंट नज़र आया इनको, कि शायद से जो 15 मिनट का डिस्टेंस है, जो हम लोग करते हैं ना, हम लोग का टाइम मेन है। अच्छा, मेन टाइम ही है, बाकी वैसा कुछ नहीं इशू है, क्योंकि हम लोग का 10-10 5 मिनट में बहुत ये रखता है। मेरे ख्याल से अभी जैसे क्राउड कम है, जैसे मैंने देखा कि आज इतना ही क्राउड रहता है, या आज कम रहता है, इतना ही रहता है मैक्सिमम, तो जैसे जैसे क्राउड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ट्रेन्स भी बढ़ा देंगे। और राइट, नवी मुंबई की जो मेट्रो स्टार्ट हुई है तलोजा से बेलापुर के लिए, उससे आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए भाई, इनकी तरफ से लाइक जाता है, तो बहुत अच्छा लगा भाई आप लोगों से बात करके, थैंक यू। तो जहाँ से सफ़र को स्टार्ट करा था, फाइनली वहीं पर आ गया हूँ, एंड लोग इस ट्रेन से खुश तो काफ़ी हैं, बट क्राउड कम है, थोड़ा सा फेयर को लेकर लोगों का बोलना है कि थोड़ा फेयर कम होना चाहिए था, किराया कम होता तो ज़्यादा सहूलियत होती। कुछ लोगों का बोला है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम पर 15-15 मिनट के डिस्टेंस पर ट्रेन आता है तो इंतज़ार करना पड़ता है। बाकी स्टेशन, ट्रेन एंड जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल रही है वो सब नंबर वन है। तो बहुत ही अच्छा लगा इस ट्रेन का मुझे टूर करके, एंड पार्किंग भी बहुत मस्त बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर का पार्किंग है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और इसी बात के साथ हमारे कैमरे का बैटरी भी ऑफ हो गया, और बात पूरी हो ही चुकी थी, सिर्फ इतना कहना था कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।